अब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आज वो चला गया तो आज हम लोग भी चले जाते घर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो आप लोग समझ ही रहे होंगे। नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप लोग? और आज है स्वतंत्रता दिवस, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। लव इंडिया, जय हिंद। और जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने बताया था संडे को हम लोग वहाँ से रांची से जहाँ मेरा बेटा पढ़ने आया है वहाँ आए हैं, तो आज ही वो हॉस्टल शिफ्ट हो गया है और हम लोग वापस अपने इस रूम में हैं। फिर हम लोग भी परसों यानी 17 तारीख को यानी कि थर्सडे को हम लोग भी रांची के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद और ब्लॉग्स आएंगे। और जैसा कि मैं संडे और वेडनेसडे अपने ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ, तो शायद कुछ बातें ही कर लूँ आप लोगों से, कल के ब्लॉग में देखिएगा यानी वेडनेसडे के ब्लॉग में। एक माँ के तौर पे बहुत दुखी भी हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो आप लोग समझ ही रहे होंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और अब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आज वो चला गया तो आज हम लोग भी चले जाते घर, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं थे। हम लोग कहा था कि आज 15 अगस्त है तो हो सकता है छुट्टी हो, तो 16 तारीख को उसको बुलाया जाए, बट उसको आज ही बुला लिया गया। हम लोग गए थे उसे छोड़ने। एक चीज़ की तसल्ली है, मैंने सोचा कि पता नहीं उसका वो क्या रिएक्ट करेगा, कैसा रहेगा, पर मैंने देखा कि वो बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक था, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं भी उसके सामने बिल्कुल नहीं रोई, कभी उसके सामने मैंने जाहिर ही नहीं होने दिया। जब वो अंदर चला गया, हॉस्टल के अंदर चला गया, तो ऑटो में बैठ के मैं बहुत रोई। मैं इतना रोई कि ऑटो वाले भैया ने मुझे समझाने लगे वो समझ गए, बहुत समझाया उन्होंने, बहुत अच्छे थे। और फिर हम लोग यहाँ आ गए। और ये छोटा सा वीडियो मैं इसलिए आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे बेटे की उज्जवल भविष्य के लिए कामना कीजिएगा, उसे आशीर्वाद दीजिएगा, और मेरे लिए तो ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि मैं धीरज रख सकूं। अभी तो यहाँ हो तो कुछ और है, पता नहीं फिर वहाँ जाऊँगी रांची, वहाँ कैसा लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। तो प्लीज़ आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे भी भगवान क्या धीरज दें। और मैं जानती हूँ एक माँ अगर बहुत कमज़ोर होती है तो बहुत मजबूत भी होती है ना। अब जैसे कि लगता है कि नहीं बच्चा दूर हो गया है तो आँख से आंसू गिरता है, फिर उसके फ्यूचर के लिए सोचिए तो फिर खुद ब खुद अपने मन को हम लोग समझा लेते हैं कि नहीं उसके लिए यही सही है। अभी रात के 9 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। अब मिल लीजिए थोड़ा सा YouTube फैमिली से। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, टाइम बिल्कुल भी हम लोग का पास नहीं हो रहा है। वही रूम में रहते हैं, थोड़ा वो न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, और अब कल का टाइम किसी तरह पास करना है, फिर परसों जाएंगे। खाना खा के हम लोग वापस रूम में आ गए हैं, अब थोड़ी देर न्यूज़ देखेंगे फिर सो जाएंगे। और यहाँ देखिए बड़ी देर मोबाइल चला के अपना टाइम पास कर रहे हैं। जब हम लोग रांची से आने वाले थे तो उसने ये दुपट्टा खरीदवाया था, बोला था मम्मी 15 अगस्त को नहीं बनाना है रील क्या, देशभक्ति गाने पे बनाओगी ना, तो ये दुपट्टा ले लो मम्मी, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज वो जा रहा था तो हो सकता वो सोच रहा होगा पता नहीं मम्मी रील बनाएगी कि नहीं, तो उसने बोला कि मम्मी आज रील बनाना है ना, मैंने बोला हाँ बनाना है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल आज नहीं कर रहा था। वहाँ उसको पहुँचा के आई तो मैं रोते रोते सो गई थी, इन्होंने भी सोने दिया मुझे, बहुत देर तक सोई रही मैं। फिर उठी तो फिर उससे बात हुई और बहुत खुश था, बहुत अच्छी तरह से उसने बात किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसने पूछा मम्मा रील बनाया कि नहीं, बोले हाँ बनाऊँगी ना। फिर शाम में मैंने तैयार होकर रील बनाया। बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही हूँ और जब भी मुझे रोना आता है तो मैं इधर आकर रोती हूँ, क्योंकि हैप्पी के पापा देखते हैं ना तो गुस्सा होने लगते हैं और वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो इसीलिए अपने आप को तो संभालना ही है।